तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते हो ठीक हो। सो गाइस, आज किस नए वीडियो में मैं आज आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ पास के बेल आइकन को दबा दो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है कि ये जो फोटो है इसको आपको सेंड करना पड़ेगा, मतलब ओपन करना है स्नैपसीड ऐप में। गाइस स्नैपसीड ऐप पे ओपन करने के बाद आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है बहुत सारे यहाँ पर टूल्स आ गए। तो यहाँ पर आपको जो ट्यून इमेज पहले वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक हेडिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करना है। गाइस इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। और इधर जो सैचुरेशन बोल का जो है ऑप्शन है इसको जो है डिक्रीज कर देना पूरा एकदम, ठीक है ना। इसको करने के बाद आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कुछ इस टाइप का, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको जो है यूज करना पड़ेगा आपको फेस को, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यूज एडिट पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ट्यून इमेज का ऑप्शन। इधर क्लिक करने के बाद इसका ब्रश में एक ऑप्शन मिलता है, ब्रश पे क्लिक करेंगे। ब्रश पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे और एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद आपको जो फेस का जो कलर है वो ऑरिजिनल चाहिए तो आप लोगों को जो है इसको इरेज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसका साइज कम कर देता हूँ और इधर मैं इरेज कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग पूरा वीडियो का देखते रहिए। तो बस यहाँ पर हो जाने के बाद देख सकते हैं इरेज कर दिया पूरा का पूरा। तो इसको हो जाने के बाद फिर से यहाँ पर जो है टिक कर देंगे। टिक करने के बाद फोटो जो कुछ इस टाइप का आपको दिखने को मिलेगा। फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर टूल्स पे जाएंगे और क्लिक करेंगे टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आप लोग व्हाइट बैलेंस पे क्लिक कर देंगे। गाइस व्हाइट बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इसके जो टेम्परेचर है उसको कम कर देंगे गाइस। और इधर जो है 10 को जो है थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद कुछ इस टाइप का फोटो मिलेगा। आप लोगों को क्या करना है कि फिर से आपको जो है फेस का जो कलर वो ओरिजिनल चाहिए तो ठीक है ना, आप लोग फिर से वही बार चीज़ कीजिए जो आप पहले किए। तो यहाँ पर फिर से मैं फेस का जो है ये जो ओरिजिनल कलर फिर से मैं लेके आऊँगा। तो फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और जो फिर से इरेज कर दूँगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। इतना तक हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा। तो इसको टिक कर देंगे, उसके बाद इसको बैक कर देंगे गाइस। बैक करने के बाद उस इस टाइप का फोटो कार्ड जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कर देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे, इसको सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस इतना तक हो जाने के बाद फोटो जो है कुछ इस टाइप का आएगा और इसको जो है लाइट रूम पर सेंड करूँगा, ठीक है ना। लाइट रूम पर सेंड करने के बाद ये जो लाइट रूम पर ऐड हो जाएगा फोटो। तो गाइस यहाँ पर लाइट रूम पे ऐड हो गया है। तो लाइट रूम ऐप को जो है, तो गाइस आप लोगों को जो क्या करना है कि लाइट रूम ऐप को ओपन करना है गाइस फोटो को जो है। तो आप लोग फोटो को जो ओपन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फोटो देख सकते हैं मैं एडिट किया है, ठीक है ना। तो लास्ट में देख सकते हैं फोटो आ गया है, ठीक है ना। तो फोटो जो है इस टाइप का आ जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका जो कलर है वो और भी अच्छा चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे गाइस, उधर कलर पर नीचे देख सकते हैं कलर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे और इधर मिक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। मिक्स पे क्लिक करने के बाद इसका जो ब्लू कलर है इसका जो ब्लू कलर जो है देख सकते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा बढ़ाना है गाइस, ठीक है ना। और इसका जो है थोड़ा सा जो लेमिनेशन का जो है थोड़ा सा कम कर देना है। ह्यू को थोड़ा चेंज करके देख सकते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं चेंज करके देख सकता हूँ कैसा लग रहा है। तो इसको जो है ऐसा करना है। और जो है मेरा फेस को जो है थोड़ा सा व्हाइट चाहिए तो मैं फेस को भी थोड़ा मतलब व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद आप लोगों को इधर आप लोगों को मिल जाएगा वेरिएशन का ऑप्शन, इधर थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। और इधर आप लोगों को टेक्सचर और क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। और वेंटेज को थोड़ा कम कर दूंगा गाइज। और इधर डिटेल्स पे जाने के बाद डिटेल्स पे जो शार्पनेस को जो है थोड़ा बढ़ा दूंगा और मास्क को और नॉइज़ को जो है थोड़ा सा कर दूंगा, जिससे फोटो जो है थोड़ा अच्छा लगेगी, ठीक है ना। तो देख सकते पहले वाला कैसा था और अभी कैसा, ठीक है ना। इसको करने के बाद आपको मिल जाएगा लाइट का ऑप्शन, इधर लाइट पे क्लिक करेंगे। लाइट पे क्लिक करने के बाद इधर जो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे और जो शेडो को थोड़ा, ठीक है ना। अब आपको मिल जाएगा इधर प्रोफाइल का ऑप्शन, ठीक है ना। प्रोफाइल में जाके इधर क्लिक कर देंगे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को लास्ट में एक आपको एक ये मिलेगा पीसेट मिलेगा, उसको आपको देख सकते हैं मोड 40 जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे और थोड़ा इसको कम कर देंगे और फोटो जो है कुछ इस टाइप का आ जाएगा पहले से बेहतर। तो गाइस देख सकते हैं फोटो कितना अच्छा बन चुका है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया और फोटो अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ पास के बेल आइकन को दबा दो। गाइस इस टाइप का बहुत सारी फोटो एडिट का मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो गाइस वीडियो को
लाइक करो गाइस, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको इसका हेयर का ट्यूटोरियल चाहिए तो उसका भी मैं ट्यूटोरियल ला के दे सकता हूँ, तो उसके लिए आप लोग कॉमेंट कीजिए और मैं उसका भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, ठीक है ना गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार और एक नए वीडियो के साथ, टेक केयर।